जिंदाबाद 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 मुलाजम चुंटी जिंदाबाद 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 मुलाजम चुंटी जिंदाबाद 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 इयो विश्राम मुर्दाबाद 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 इयो विश्राम मुर्दाबाद 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 हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सर अपने नाम से शुरू करेंगे और बताएंगे कि आज का प्रोटेस्ट किस विषय में है। जी नमस्कार, मैं प्रेसिडेंट विकास मट्टू अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ म्युनिसिपल कमेटी बिछना। आज का जो हमारा मसला, आज हमने एक मीटिंग रखी थी जो जिसमें हमारे अलग अलग कमेटियों से प्रेसिडेंट आए थे और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब आए थे, जिसमें हमारी जो मीटिंग चेयरमैन साहब एएसओ साहब के साथ चल रही थी बिछना म्युनिसिपल कमेटी में, और जिसमें हमारे बिछना ईओ सांगड़ा साहब अनिया कमेटी में बैठे थे, और जिस दौरान हमने हमारे चेयरमैन साहब ने ईओ साहब को कॉल की और उन्होंने कहा स्टेट प्रेसिडेंट साहब से बात करिए, और प्रेसिडेंट साहब ने जब उनसे बात की तो आगे से कहते हैं कि अगर आउटसोर्स का काम प्राइवेट काम अगर सफाई कर्मचारी बिछना म्युनिसिपल कमेटी के नहीं करेंगे तो हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो इस मुद्दे पर हम पूछना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, अगर ईओ के पास एक बंदा लगाने की परमिशन नहीं है तो इसको कौन परमिशन दे रहा है कि मुलाजम को बाहर निकाल दो। सर अपने नाम से शुरू करेंगे और बताएंगे कि आज का प्रोटेस्ट किस विषय में है और क्यों ऐसा आपको करना पड़ा कि आपको रोड पे उतरना पड़ा और ईओ बिछना के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी। नमस्कार, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारे जो भी आवाज़ होती है वो सरकार तक पहुँचाने की जो कोशिश की जाती है। तो मैं लकी चीदा स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, और आज बिछना में हमारा प्रोटेस्ट का ऐसा कोई भी माहौल नहीं था, कोई भी मूड नहीं था, क्योंकि हम पीसफुली जो ईओ सांगड़ा से बात करने के लिए आए थे और हम 1 बजे का यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी बिछना में उनका वेट कर रहे हैं और उनको फोन कॉल किया जा रहा है और वो ईओ इतनी अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं कि आने की बजाय हमें फ़ोन पर वो धमका रहे हैं कि अगर हमारा सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाएगा तो ज़बरदस्ती हम उनसे काम लेंगे, अगर नहीं करेगा काम तो हम उनको जो है काम से निकालेंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आला डिपार्टमेंट से, हमारे डायरेक्टर साहब से, कि ऐसे ऑफिसर जो गुंडे ऑफिसर हैं वो हमें हमारी म्युनिसिपैलिटियों में नहीं चाहिए, इनको कहीं ऐसी जगह पर भेजें जहाँ से जाकर अपनी गुंडागर्दी कर सके, और यहाँ जो है म्युनिसिपैलिटियों में वो शराफत का माहौल रहने दें, हमें गुंडागर्दी पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। अगर हम गुंडागर्दी पर उतरे तो ईओ सांगड़ा नहीं, ईओ सांगड़ा के साथ पूरे जम्मू वासी जो है वो परेशानी में होंगे, क्योंकि हमारा जो हथियार है वो एक ही है कि हम झाड़ू को बंद करेंगे और शहर में जो कूड़े की व्यवस्था है वो बंद करेंगे। हालांकि ये इशू तो इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा आज बनाया गया है इसको, और इसमें सरासर मैं जो नलायकी है वो ईओ सांगड़ा की जताऊंगा कि जिसने फोन कॉल के ऊपर हमें धमकी दी और हमारे सफाई कर्मचारी जो है उस धमकी को सुन के बढ़ के। सर अगर आज आपकी सीओ के साथ ईओ म्युनिसिपैलिटी के साथ बात नहीं बनती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि जब तक हमारा डोर टू डोर काम जो है वो हमारे सर से ऊपर नहीं उतारा जाएगा, हमारी जो सफाई की व्यवस्था है वो पूरे के शहर में जो है वो ठप रहेगी। धन्यवाद। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडीखुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमरीकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है, और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।